ना लेटरिन बाथरूम हमारे पास है, कोई लाभ नहीं हमारे पास। तो ऐसे लोग को वोट नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? क्षेत्र का विकास होता है मैडम जी, बस वो थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। 2024 में यहाँ पर पानी आ जाएगा, पूरे बहुमत से आएगी कांग्रेस सरकार। मध्य प्रदेश में चुनावी महासमर जारी है, पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी यात्रा करके हम आपको बता रहे हैं कि किस विधानसभा में किस में कितना दम है। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मपुरी विधानसभा में। धर्मपुरी विधानसभा का ये मांडव गांव है जहां की जनता किसी के भी खिलाफ बोलने से या किसी के भी सपोर्ट में बोलने से इतना डरती है कि इस क्षेत्र का विकास हो ही नहीं पा रहा। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। ये वो जगह है जो मध्य प्रदेश का एक सुंदर पर्यटन स्थल है, लेकिन ये आज भी विकास की राह देख रहा है। चाहे यहाँ का विधायक कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र के विकास की पड़ी ही नहीं है। और भाई किसे पड़ी होगी जब जनता वैसे ही अपने विधायक के बारे में कुछ भी कहने से डरती हो, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक रोता नहीं है बच्चा तो माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। और यही हालत है मांडव के इस गांव की, जहाँ के लोग अपने विधायक से शिकायत तक नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हम एक नाकाम कोशिश जरूर करेंगे यहाँ के उन लोगों से जानने की कि आखिर उनके दिल में क्या है और वो इस विधानसभा चुनाव में किसे अपना सिरमौर बनाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मेरे पूरे देश की जनता जो मुझे देख रही है, ये वो क्षेत्र है जहाँ की जनता अपने विधायकों से, अपने विधायक प्रतिनिधि से इतना डरती है, चाहे वो पांचीलाल मेड़ा हो या कालू सिंह राठौर, माफ कीजिए ठाकुर, उनसे ये इतना डरते हैं कि ये उनके बारे में कुछ भी कहने से हिचकिचाते हैं। लेकिन इस शहर की सच्चाई, ये भी मुझसे गलत ही कहा गया, इस गांव की, इस छोटे से गांव की जो मध्य प्रदेश का एक बड़ा पर्यटन स्थल है, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी एक कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से जानने की कि भाई आपके क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ। एक वजह तो हमने आपको साफ बता ही दी है कि यहाँ के लोग डरपोक हैं और कुछ भी कहने से डरते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रूप सिंह बरसिंह। रूप सिंह जी, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र का विकास हुआ है? क्षेत्र का विकास होता है मैडम जी, बस वो थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। ये जो चुनावी माहौल चल रहा है इस समय, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार उसकी कमलनाथ की बनना चाहिए सर। आपकी कमलनाथ की सरकार बननी चाहिए, मतलब आपको लगता है कि पांचीलाल मेड़ा वर्सेस कालू सिंह ठाकुर में से पांचीलाल मेड़ा जीतेंगे? जीतेंगे ना सर। आप किसको वोट देंगे? वोट कांग्रेस को देंगे सर। कांग्रेस को वोट देंगे? एक दबंग इंसान मुझे मांडव में पहली बार मिला है जो खुल के ये कहने को तैयार है भाई साहब कि हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। और आप कांग्रेस को वोट क्यों देंगे, मतलब उसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है कमलनाथ क्या उद्धार कर देंगे आपके क्षेत्र का? सारी बात को मतलब जानकारी लेते हैं सर, दया दृष्टि भी करते हैं। आपसे मिलते हैं कमलनाथ जी? मिलते रहेंगे सर। कब मिले आप कमलनाथ जी? अभी यहाँ तो नहीं आया, पांचीलाल मेड़ा आया था परसों नरसों सर। आप पांचीलाल मेड़ा से मुलाकात हुई? मेरी नहीं हुई, मैं यहाँ तबीयत खराब थी, मैं अस्पताल में चला गया था। कभी आपको कोई समस्या हो तो आपका कोई विधायक आपसे आज तक मिला है? आपने कभी सड़क, बिजली, पानी, नाली, हमने सुना है कि यहाँ पर नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है? जल नहीं आया नहीं सर, अभी के मतलब टूट फूट के गए, वो लगा के चले गए। तो जो ये नल है और जल नहीं है, ये समस्या से आपने अवगत कराया पांचीलाल मेड़ा को? पांचीलाल मेड़ा ने जो टैंकर वगैरह नगर पंचायत में नहीं, ये लाके छोड़े थे मैडम जी। और आपके यहाँ क्या विधायक कुछ नहीं करते, निकम्मे हैं? नहीं, अब आते हैं और जब उनका काम पड़ते हैं जब आते हैं सर। विधायक निकम्मे तो नहीं है पर जब काम पड़ता है तभी आते हैं। चुनावी माहौल है अभी तो भाई आना पड़ेगा, श्रीफल शॉल बांटनी पड़ेगी, नारियल फोड़ने पड़ेंगे और जनता को मनाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जलेबी बनानी पड़े या दिए बनाने पड़े, चाहे कितने भी तमाशे करने पड़े, चाहे गधे या ऊंट की सवारी क्यों ना करना पड़े, नेताजी अभी हर जनता को मनाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो हम जनता से पूछते हैं कि भैया वो किसे वोट देंगे, किसकी नौटंकी से ज्यादा इम्प्रेस है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कालू सिंह ठाकुर को आप वोट देंगे? हमने तो सुना है बड़े, कोई कहता है दबंगे पर हमने सुना है बड़े डरपोक है। नहीं मैडम, बहुत दबंगे पार्टी, पार्टी पूरा पार्टी भी दबंगे और अच्छे तरीके से मेंटेनेंस करती है, डेवलपमेंट करती है। क्या डेवलपमेंट हुआ है आपके मांडव का, बताइए यहाँ कौन सा बड़ा स्कूल या कॉलेज है? अभी बना है मैडम, काम चल रहा है जब से अध्यक्ष वगैरह बने हैं। 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, आप कह रहे हैं आप बना है 18 सालों तक, क्या कर रही थी सरकार? पहले से बहुत सुविधा हो गई मैडम, जितने पहले सुविधा नहीं थी उतनी अब हो गई है यहाँ मांडो में। अच्छा, कालू सिंह ठाकुर आपके लिए उपलब्ध होते हैं, आप फोन लगाते हैं, मिल जाते हैं? जी मैडम।
आपकी समस्याएं सुनते हैं। वोट किस मुद्दे पे दे रहे हैं कालू सिंह ठाकुर को, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि नल जल नहीं है यहाँ की, जो नगर निगम में बड़ी गुंडागिर्दी करती है। मैडम, इतने सालों से तो यहाँ पर पानी नहीं आता था, जब से बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं उन्होंने बहुत कोशिश की है कि यहाँ पर पानी आए। जैसे पाइपलाइन डल चुकी है, उसका अभी प्रोसेस चल रहा है, पानी आना है अभी 2024 में, यहाँ पर पानी आ जाएगा 2024 में पानी आ जाएगा। आपको बता दें 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनावों तक तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को तो वापस सत्ता में आना ही है। हर पार्टी ये कोशिश करेगी कि जनता उन्हें चुने। भाई साहब, आप बात करना चाहेंगे? क्या शुभ नाम है आपका, इधर आइए। मेरा नाम है परमानंद भाई अमजेरिया, यहाँ का लोकल बंदा। परमानंद जी, किसे वोट देंगे आप? हम तो कांग्रेस पार्टी को वापस लाना चाहते हैं, कमलनाथ जी को। और आप कमलनाथ जी को क्यों चुनना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया था, लेकिन पार्टी ने उनको डेवलपमेंट से हटा दिया गया था। लेकिन इस बार क्या है कि पूरे बहुमत से आएगी इस बार कांग्रेस सरकार। लेकिन पांचीलाल मेड़ा को वोट देना होगा ना आपको, उसके लिए पांचीलाल मेड़ा है इस लायक कि आप उन्हें वोट दें? जी हाँ, उन्होंने 15 साल तक काम किया आदिवासी लोग के लिए, जनता के लिए, सब समस्या के लिए दौड़ते भी है, छोटे से छोटे काम में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोग को वोट नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? बहुत सही बात कही है, जो जनता के सुख दुख के लिए खड़ा होगा उसे तो भाई वोट देंगे ही। पांचीलाल मेड़ा की वो क्या विशेषता है जिसकी वजह से? विशेषता ये है कि वो टीचर भी है और हर एक छोटे से बड़े काम में खड़े हो जाते हैं। जब फोन लगाओ तब जाके घर के अंदर आ जाते हो और अपनी समस्या को हल भी करते हैं, उन पे मैटर भी भोपाल तक दिल्ली तक लड़ाई लड़ते हैं। तो लेकिन आपका फोन उठा लेते हैं, लेकिन हमने सुना है पांचीलाल मेड़ा तो किसी का फोन ही नहीं उठाते। नहीं, ऐसा ये गलत आपने सुना है मैडम, हर किसी गरीब आदमी का फोन उठा लेते हैं। आदिवासी नेता है और आदिवासी हमारे जो मूलभूत राष्ट्रपति है, हम भी चाहेंगे कि ये पांचीलाल मेड़ा एक बार और फिर आए। आपने बिल्कुल एक बात इन्होंने कही है कि जो आदिवासी है वही हमारी राष्ट्रपति है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आदिवासी राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने चुनी है, कांग्रेस ने नहीं? उससे लेना देना नहीं मैडम, दोनों पार्टी कोई भी चुन सकता है, आदिवासी मतलब से मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस है, पार्टी पार्टी होती है, लेकिन जो जनता चुनती है वो जनता जनार्दन होती है, वो सबके हित में वो काम करती है, जनता को जो समझ में आएगा वही करेगा। तो एक बात भाई साहब ने बहुत सही बोली है कि जनता को जो समझ में आएगा वही करेगा, जनता जनार्दन होती है, जनता देवता होती है। इस समय चुनाव के समय तो भैया नेताओं के लिए भी जनता देवता ही होती है, और यही वजह है कि पैरों में भी पड़ने के लिए नेताजी तैयार होते हैं इस समय। हम बात करते हैं और लोगों से और जानते हैं, इन्होंने एक अच्छी बात कही कि पांचीलाल मेड़ा जी जो हैं वो लोगों के फ़ोन उठा लेते हैं, उनके लिए उपलब्ध होते हैं। बहरहाल हमने तो ये भी सुना है कि पांचीलाल जी किसी से मिलते नहीं हैं। हम बात करते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? नन्नूराम। नन्नूराम जी, क्या कहते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? हम कांग्रेस है। कांग्रेस को वोट देंगे? किस मुद्दे पे वोट देंगे कांग्रेस को? कांग्रेस को देंगे पंजे और किसको देंगे? नहीं नहीं, पंजे को आप वोट देंगे, लेकिन किस मुद्दे पे देंगे? विकास, मांडव में विकास होगा आपकी, धर्मपुरी विधानसभा फलेगी फूलेगी, कॉलेज आएगा, जल आएगा, क्या विकास के मुद्दे? अरे हर सरकार हमारा तो कोई तो फायदा नहीं हुआ, ना कुटेर है, ना चूल्हा है, ना चक्की है, ना लेटरिन बाथरूम हमारे पास है, कोई लाभ नहीं हमारे पास। आपके पास लेटरिन बाथरूम भी नहीं है? जो शौचालय योजना आई थी पीएम मोदी की वो आपके घरों तक नहीं पहुंची? कुछ भी नहीं है, कहां से, घर जाके चेक कर लीजिए आप। ये मध्य प्रदेश की धर्मपुरी विधानसभा, जहां पर ये तय नहीं कर पाए, ये बता रहे हैं कि अभी तक इनके घरों में शौचालय नहीं बने हैं। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी योजना निकाली है जिसके तहत हर घर में शौचालय बनना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इसका दावा भी करती है। आप पांचीलाल मेड़ा वर्सेस कालू सिंह ठाकुर में से आपने कहा कि आप पांचीलाल मेड़ा को चुनेंगे, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो कौन सा एक विशेष मुद्दा है जो आप चाहेंगे कि सरकार अगर कमलनाथ की बने तो उन्हें सबसे पहले उस मुद्दे को छूना चाहिए? तो हम तो जो ऐसा हमारा बात है, पुराने बाबू उसको पंजे के वोट देते आए कांग्रेस को। कांग्रेस के कट्टर सपोर्टर हैं ये, और इनका कहना है कि हम हमेशा कांग्रेस को, पीढ़ी की पीढ़ी सब मर गए मांडव में, पंजे को नहीं भूले आज तक। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये हमेशा से एक ही पार्टी के सपोर्टर रहे हैं और ये उन्हें ही वोट देते रहते हैं। मध्य प्रदेश के इस महासमर में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये जनता ज़रूर तय करेगी। ये कब तय होगा ये आप भी जानते हैं, 3 दिसंबर को ये नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिर कमलनाथ को ये प्रदेश मिला है या फिर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होगी। बहरहाल तब तक चुनावों से जुड़ी हर खबर और नेताओं के बयानों के पीछे की असली वजह क्या है, जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।